अध्याय 9। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वो पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थीं, और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, उसने बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है कि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिराज को प्राप्त करें। जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। यदि ऐसा होता, तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी
बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा।